अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल टेक मास्टर। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम का जो हमारा अकाउंट है, हम उस पर कैसे ब्लू बैज वेरिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। उसके लिए जितना भी प्रोसेस होगा, उसका एक फॉर्म है, फॉर्म फिल करना है, मैं आपको मुकम्मल मेथड बताऊंगा। उसके लिए आपने वीडियो को देखना है मुकम्मल, ताकि आप आसानी से अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर जो है वो आप ब्लू बैज वेरिफिकेशन जो है वो हासिल कर सकें। तो इसके लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपके पास इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप किसी ब्राउज़र के अंदर से डायरेक्टली अपने इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आप वहां से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। ये मेरा नया अकाउंट है, मैं इसे भी आपको दिखा देता हूँ। आपने ऐसे करना है, ये फ्रंट, ये जो आपका स्टार्टिंग पेज है इंस्टाग्राम का, आपने यहाँ राइट साइड नीचे जो जाना है, ये देखिए ये राइट साइड जो ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो कि आपकी प्रोफाइल के मतलब होगा। आपने यहाँ टॉप पे देखे, यहाँ ये जो तीन लाइनें लगी हुई हैं, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे लास्ट में सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ आपको काफ़ी सारे अपने अकाउंट के सेटिंग के जो हैं वो नोटिफिकेशंस के हैं, वो जितने भी कमेंट्स वगैरह कंट्रोल करने के हैं, लैंग्वेज वगैरह जितने भी हैं, काफ़ी सारे यहाँ आपको ऑप्शन नज़र आएंगे। आपने जाना है यहाँ रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन, आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा इंस्टाग्राम की जानिब से, जिसको आपने फिल करना है। और एक बिल्कुल यानी कि आसान, बिल्कुल सिंपल फॉर्म है, जिसे हम जो है वो फिल करके सबमिट करेंगे, जिसके बाद जो है वो हमारी ब्लू बैज वेरिफिकेशन के लिए अगर हमारा अकाउंट एलिजिबल हुआ तो वो जो है वो ज़रूर जो उस पर जो है वो ब्लू बैज एक्टिव हो जाएगा। तो ये देखें, हमारे पास ये ओपन हो चुका है फॉर्म। इसके ऊपर जो इसका तमाम क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि कौन कौन से जो अकाउंट हैं वो वेरीफाइड हो सकते हैं, उसकी डिटेल ही ऊपर लिखी हो, आप फॉर्म फिल करने से पहले पढ़ लीजिएगा। ये फॉर्म के टॉप पे जो ऑप्शन आता है यूज़र नेम का है, जो भी आपने अकाउंट में दिया है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आ जाएगा। उसके नीचे आ जाएगा फुल नेम, ये जो ब्रैकेट है यहाँ आप अपने अपना फुल नेम, ओरिजिनल नेम जो है वो लिखना है। आपने फिर लिखना है नाउन एज, आप किस नाम से जो है वो जाने जाते हैं। आपने जो ऊपर दूसरा नाम लिखा हुआ है, ये आपके चैनल का जो है, आपके सॉरी अकाउंट का जो नेम है, यूज़र नेम है, आपने यहाँ वो लिख देना है। इसके बाद नीचे आ जाएगी कैटेगरी, कैटेगरी भी यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये काफ़ी सारी कैटेगरी की शो हो जाए, ऑप्शन शो हो जाएंगे, मीडिया, न्यूज़, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, म्यूज़िक, फैशन, एंटरटेनमेंट, ब्लॉगर वगैरह। तो आप इनमें से अगर आप कोई आप इनमें से किसी के साथ रिलेटेड हैं तो ठीक, आपका अकाउंट अगर इनमें से किसी के साथ रिलेटेड है तो ठीक, नहीं तो आपने अदर के ऑप्शन पर यहाँ क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आ जाइएगा, यहाँ लिखा हुआ है प्लीज़ अटैच अ फोटो ऑफ यूअर आईडी। यहाँ हमने अपने आइडेंटिफिकेशन हमने अपनी करानी है कि आप हमारा जो नेशनल आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, या ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम लिखा हो, आपने उसकी बनानी है फ़ोटो। फ़ोटो बिल्कुल वाज़े और साफ़ होनी चाहिए ताकि आपका नेम जो है और जो है वो डेट ऑफ बर्थ वगैरह वाज़े तौर पर पढ़ी जा सके। आपने उसकी फ़ोटो बना लेनी है, गैलरी के अंदर सेव करनी है। आपने चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से आपकी ऑटोमेटिकली गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अगर आपकी कहीं भी जो है वो आपकी पड़ी हुई है, अगर वो पिक्चर जो आपकी आईडी कार्ड की है, यहाँ से आपने उसे क्लिक करना है। फ़र्ज़ के मैं किसी एक को इसी को क्लिक कर लेता हूँ, या आपने क्लिक कर लिया, आपकी आ गई वो फाइल। उसके बाद नीचे ऑप्शन है सेंड का, आप यहाँ से सेंड के बटन पर जब क्लिक करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो जाएगी। बिल्कुल आसान मेथड है, आप भी कोशिश कीजिए। अगर आपका अकाउंट एलिजिबल हुआ, आप यानी कि डेली बेसिस के साथ जो है वो आप पोस्ट करते रहे, आपकी बायो वगैरह जो होनी चाहिए जो है वो आपकी प्रोफाइल के साथ लिखी होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल पिक्चर लगी होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद आप रेगुलर पोस्टें करें, लोग जो है वो आपकी पोस्टर में इंटरेस्ट लें, फिर जो है वो आपका जो है वो ये अकाउंट आसानी से हो जाएगा। अगर एलिजिबल नहीं हुआ तो आपको एक महीने का जो इंस्टाग्राम टाइम देगा, आप नेक्स्ट मंथ है वो दोबारा जो है 30 दिन मुकम्मल होने के बाद जो आप दोबारा इसकी जो है वो कोशिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं उन तक आपको रसाई हासिल हो सके। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।